पटना पुलिस ने चार मुन्ना भाइयों को अपने गिरफ्त में लिया। व्यापम घोटाले से जुड़े तार के साथ साथ पटना में ऑफलाइन और ऑनलाइन एग्जाम के मास्टरमाइंड ने पूरे भारत में अपना जाल फैला रखा था। पटना पुलिस ने इन चार मुन्ना भाइयों से लाखों की रकम, लैपटॉप, हार्ड डिस्क, कई मोबाइल, हिडन कैमरा बरामद किए हैं। शुरुआती दौर में कई सारे राज भी खुले हैं। अब गाज गिरेंगे मुन्ना भाइयों पर जो इस पर्दे के पीछे हैं। फिलहाल पुलिस फूक फूक कर अपना कदम रख रही है और ऐसे में कई राज भी पुलिस नहीं खोल रही है। अब आगे पटना पुलिस में बड़ा खुलासा करती है, यह देखने वाली बात है। यह तो तय है कि इन मुन्ना भाइयों ने कई लोगों को सरकारी होने में या सरकारी सेवा में पहुँचा तो दिया ही है। जो है जिसमें आपको बताया है कि जो ऑनलाइन कंपनीज होती हैं, जो परीक्षा की जो इनको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, कोई भी प्रोफेशनल बोर्ड जब अपना परीक्षा लेता है, ऑनलाइन लेता है, तो एक टेंडर करता है जिसमें जो कि ऑनलाइन परीक्षा कराने के लिए कंपनीज होती हैं उनको वो देता है। तो हर एक परीक्षा के ऐसी कंपनीज का प्रत्येक ऐसे एग्जामिनेशन सेंटर जो डिस्ट्रिक्ट है, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में हो गए कोविड की वजह से कि बहुत सी परीक्षाएँ अब ऑनलाइन होती हैं, तो उसको सिटी हेड बोलते हैं। तो ऐसे कुछ रिप्यूटेड कंपनीज के सिटी हेड्स के बारे में लोगों ने बताया है जिनको पैसा देकर पहले ही मैनेज करते थे। और इनफैक्ट आप जो बोल रहे हैं कि ऑल इंडिया वाला, इनका जो हम लोगों ने सारा मोबाइल फोन एनालाइज किया है, तो ग्वालियर सेंटर की मैनेजमेंट को लेकर मध्य प्रदेश में ग्वालियर सेंटर की, यूपी में आगरा, लखनऊ, उनके एग्जामिनेशन जो सेंटर्स, जो ऑनलाइन अकेडमीज हैं उनके साथ इनका डायरेक्ट इसमें पाया गया है। निश्चित रूप से केवल बिहार तक सीमित नहीं है, मास्टर माइंड मैक्सिमम बिहार के हैं, जिसमें एक पिकअप पर तकरीबन 50 होल्डिंग कॉट लेके जा रहे थे, तो एक स्कॉर्पियो से ओवरटेक करके उसको टूटा गया था। तो ये भी अज्ञात अपराधकर्मी के ऊपर केस हुआ था। इसमें फिर नगर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी नेतृत्व में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पालीगंज और दुल्हन बाजार थाना और लोगों का जो टेक्निकल टीम, उसका हम लोगों ने एक अनुसंधान का गठन किया था। इसमें भी क्योंकि कोई क्लू नहीं था, तो तकनीकी अनुसंधान के आधार पर दुल्हन बाजार थाना कांड संख्या 41/22 पर विभिन्न हुआ था। तो तकरीबन 10 दिन के ट्रैकिंग के बाद और लगातार 3 दिन राज्य के बाहर हजारीबाग में टीम को कैंप करवाए थे। तो वहाँ से पहले था कि जो अपराधकर्मी वहीं पर रह रहे थे, जब हमारा टीम पहुँचा लेकिन अपने लोकेशन चेंज कर दिया था। उसके बाद उनको हम लोगों ने ट्रैक किया और इसमें जो 3 अपराधकर्मी हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। ये तीनों जहानाबाद जिला के रहने वाले हैं। एक का नाम गौतम कुमार है जो कि धामापुर थाना घुसी जहानाबाद का रहने वाला है। बिट्टू कुमार है जो कि उसी गांव का घुसी थाना जहानाबाद का रहने वाला है। और तीसरा दीपक कुमार है जो कि काको थाना जिला जहानाबाद का रहने वाला है। इसमें जो स्कॉर्पियो उपयुक्त हुई थी वो वाहन भी कवर हो गया है और टोटल 50 लोगों ने NH-139 से जो पिकअप से उन्होंने बुक किया था फोल्डिंग बेड का, उसमें से 43 फोल्डिंग बेड जहाँ पे लोगों ने किए थे वो हम लोगों ने रिकवर कर लिया। इसमें लोगों ने जहाँ पे इसको बेचा था और जहाँ पे गाड़ी लेकर गए थे उसकी भी आइडेंटिफिकेशन हो गई है और उसको भी हम लोग गिरफ्तारी का प्रयास कर रहे हैं। तो ये भी एक सफल उद्भेदन है। दुल्हन बाजार थाना का और पालीगंज अनुमंडल का इम्पोर्टेंट केस था। रोड डकैती के अज्ञात अपराधकर्मियों के ऊपर FIR हुई थी और इसका उद्भेदन करके लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है रिकवरी के साथ।